मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस तीसरे लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। द्विघात समीकरण के अंतर्गत हमने द्विघात समीकरण के डेफिनेशन और द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा किस प्रकार हल किया जाता है उसके बारे में हमने पढ़ा। और मैं यह उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो भी इस चैप्टर से संबंधित वर्क दिया गया था उन सभी वर्क को आपने अच्छे से पूरा कर लिया है और आप सभी तीसरे वीडियो लेक्चर के इंतजार में बैठे हुए हैं अपने क्लास करने के लिए। तो आज मैं आप लोगों के सामने उस रूप में वीडियो लेक्चर प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा हूं जिस रूप में आप लोगों को पहला दो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवाया गया था। तो इसका खास वजह यही है कि कुछ परिस्थितियों के कारण मैं यह वीडियो लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा हूं, लेकिन आप लोगों को जिस दूसरे तरीके से भी मैं यह आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं, मैं यह उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह चीज भी आसानी से समझ में आ जाएगी। अगले वीडियो लेक्चर से आप लोगों को फिर से वही सिस्टम मिलेगा जो आप लोगों को पहले दो वीडियो लेक्चर में मिला था। तो इन असुविधाओं के लिए हमें खेद है। आज हम तीसरे वीडियो लेक्चर में द्विघात समीकरण को हल करने की अन्य दो विधियों पर चर्चा करूंगा। तो इसमें से सबसे पहली विधि है सूत्र विधि। तो सूत्र विधि, इसमें आप देखिए, इसको हमने दूसरे तरीके से वीडियो तैयार किया है, आपको मैं समझाते जाता हूं एक एक स्टेप और आप समझते जाओ। तो इसमें से आप देख सकते हो, हमने यहां पर डेफिनेशन पहले ही लिख दिया है कि सूत्र विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल। इस विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल दो चरण में प्राप्त किया जाता है। पहला स्टेप, सर्वप्रथम d का मान प्राप्त किया जाता है, d बराबर फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac प्राप्त किया जाता है। स्टेप नंबर दूसरा, x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट d बटे 2a सूत्र का प्रयोग किया जाता है, देख रहे हो आप। इसके बाद हमने इस पे रिमार्क लिखा हुआ है। रिमार्क पहला नंबर कि ये जो सूत्र ऊपर पर लिखा हुआ है, ये सूत्र, इस सूत्र को जिस मैथमेटिशियन ने दिया था उस मैथमेटिशियन का नाम था श्री धराचार्य। और दूसरा नंबर लिखा हुआ है, यदि d देख रहे हो लेस देन जीरो, इस तरह से d लेस देन जीरो अर्थात d का मान ऋणात्मक हो तो x का मान वास्तविक नहीं होता है। मतलब ये हुआ कि यदि d निगेटिव में आ जाता है तो उस परिस्थिति में हम लोग x का मान प्राप्त नहीं करते हैं। हालांकि यह सिस्टम 11th क्लास में दिया गया है, जहां पर d निगेटिव भी आता है तो वहां पर हल करते हैं, लेकिन आप लोगों को जब d का मान ऋणात्मक हो तो उस स्थिति में x का मान प्राप्त नहीं करना है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके एक एग्जाम्पल पर आते हैं, सूत्र विधि द्वारा हल करें। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 70 बराबर 0, समझ रहे हो। तो ये जो अगला पार्ट है ये a कहलाता है, बीच वाला पार्ट b कहलाता है और लास्ट वाला पार्ट c कहलाता है। तो हमने सॉल्यूशन में लिखा है a बराबर, अगला पार्ट मतलब x नहीं लिखना है, इसका जो गुणांक है इसके आगे नहीं कुछ, तो एक छुपा हुआ है। तो यहां पर हमने a का मान कितना लिखा है, एक लिखा है। उसके बाद b, b का मान यहां देखो क्या लिखा हुआ है, बीच माइनस 9 और c का मान माइनस 70, ठीक है। ये अच्छे से आप देख पा रहे हो। आप एक चीज यहां ध्यान रखना, इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक हमने बनाया याद रखने के लिए, a, a का मान a फॉर अगला यानी सबसे शुरू वाला मान a, b फॉर बिचला बीच वाला मान b और c लास्ट वाला होता है वो आप याद रखना। तो c का मान यहां पर माइनस 70 दिया गया है। तो abc समझ गया आप लोग। अब उसके बाद हम लोग d का मान निकालते हैं, d बराबर फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। b का मान यहां पर लिखा हुआ है b स्क्वायर, तो b का मान देखो ऊपर पर कितना है, यहां पर माइनस 9, तो यहां लिखा हमने माइनस 9 का स्क्वायर,
माइनस, तो माइनस 4ac, तो 4 लिखा, a का मान ऊपर पर 1 दिया गया था और c का मान यहाँ देखो माइनस 70, तो माइनस 70 लिखा। 9 का माइनस 9 का स्क्वायर 81, माइनस गुना माइनस प्लस 4 सत्ते 28, 280, और ये हो गया इसको जोड़ करके 361, और 361 आप देख रहे हो जीरो से बड़ा है ना, तो 361 जीरो से बड़ा है। तो इस स्थिति में हम लोग x का मान निकालेंगे, यानी x का जो सूत्र होता है, जिस सूत्र को श्रीधराचार्य ने दिया था उसको हम लोग लिखते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a, ठीक है, ये हमने सूत्र लिखा। अब b का मान यहाँ देखो ऊपर पर आप लोगों को b का मान माइनस 9 दिया गया था और माइनस यहाँ भी है, इसके कारण माइनस माइनस प्लस 9 हो गया, प्लस माइनस रूट डी के जगह पर यहाँ पर 361 लिखा, 9 प्लस माइनस 361 का वर्गमूल 19 हो गया बटे 2 गुना 1 2 हो गया, ठीक है। 9 और 19 एक देखो यहाँ पर यह चीज ध्यान रखना है, 9 प्लस माइनस 19 है, इस तीनों संख्या को 9 को 19 को और 2 को दो बार लिखना है, 9 19 2 9 19 2, बस अंतर क्या करना है, शुरू वाले मान में ये जो प्लस देख रहे हो यहाँ प्लस लिख देना है और दूसरे वाले में यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख देना है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 19 और 9 जोड़ दिया 28 बटे 2, 9 में 19 गया माइनस 10 बटे 2, 2 से कटा दिए 14 बार में, 2 पंचे 10 5 बार में, ये हो गया 14 और माइनस 5, समझ गए बात को, इसलिए लास्ट में इसमें लिखना है अभिष्ट हल बराबर 14 कोमा माइनस 5, ये हो गया आंसर, समझ गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे अथी पर, इसके दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं, ध्यान देंगे आप लोग, पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल भी आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन है आप लोगों को, 4√2x² प्लस 3x माइनस 5√2 देख पा रहे हो बराबर 0, ठीक। तो ये अगला मान a फॉर अगला मान है 4√2, तो वो a का मान हो गया, b फॉर पिछला b का मान हो गया 3, और c का मान ये लास्ट वाला हो गया माइनस 5√2, राइट। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, d का मान निकालेंगे, d बराबर फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, समझ रहे हो। अब b का मान यहाँ पर देखो कितना लिखा हुआ है, b का मान 3 है, तो 3 स्क्वायर माइनस 4, a का मान 4√2 और c का मान माइनस 5√2, ये हमने लिखा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब यहाँ देखो माइनस गुना माइनस प्लस, 4 चौके पहले बार वाला गुना करते हैं, 4 चौके 16, 16 पंचे 80 और रूट दो मिलकर के 2 बन गया, तो ये हमको गुना करके हो गया 4 चौके 16 पंचे 80 दूनी 160, जोड़ दिए 169, 169 पॉजिटिव है या निगेटिव, ये भी पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग x का फॉर्मूला लिखेंगे जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, x का सूत्र माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a, ये बराबर यहाँ पर इक्वल टू b का मान देखो ऊपर पर दिख रहा है 3 है, इस बार चिन्ह पॉजिटिव ही है तो यहाँ पर माइनस 3 है तो माइनस उतार दिए और b का मान 3 रख दिए, प्लस माइनस लिखे, d का मान 169 देख रहे हो ये दिखला हुआ है तो 169 लिखे, 2 a का मान 4√2 दिया गया है, देख रहे हो a का मान 4√2 दिया गया है तो वो हमने रख दिया, ये हो गया माइनस 3 प्लस माइनस 169 का वर्गमूल ध्यान है 13, तो 13 लिख दिया हमने। अब इसको गुना कर दो, 4 2 8√2, राइट है। अब पिछला में भी आपको बताया था कि माइनस 3 13 और 8√2 ये तीन संख्या है, इसको दो बार आपको लिख देना है, तो माइनस 3 13 8√2 माइनस 3 13 8√2, बस बीच में क्या करना है, ये ऊपर वाला चिन्ह पहला में यानी प्लस पहले और दूसरे वाले में ये चिन्ह माइनस दे देना है, समझ में आ रहा आप लोगों को। अब देखो आगे कैलकुलेट करते हैं, 3 13 में 3 गया भाई 10 बचा, 8√2 लिख दिए, माइनस 13 माइनस 3 माइनस 16, 8 बटे नीचे में 8√2 है वो लिख दिए,
इसको कटा दो, 2 5 10, 2 4 8, 5/4 रूट 2 लिख दिया। और ये वाला पार्ट देखो, 8 2 16 दो बार में कट गया। आप इसको चाहो तो ऊपर वाले को भी कटा सकते हो, है ना। आप जानते हो किसी संख्या के पास 2 गो रूट होता है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ रफ में समझा रहा हूं, रफ में, कि कोई भी संख्या में 2 गो रूट होता है। मतलब जैसे हम 6 लिखते हैं तो 6 का मतलब हुआ रूट 6 गुना रूट 6। 2 लिखते हैं इसका मतलब रूट 2 गुना रूट 2। तो उस हिसाब से आप देखो 2 के पास 2 गो रूट 2 है, तो 1 गो रूट 2 हम कटा सकते हैं, ठीक है। तो कटाएंगे तो आपके पास सिर्फ रूट 2 बचेगा। हालांकि हमने कटाया नहीं, हमने वही रिजल्ट लिख दिया। आप कटा करके भी लिख सकते हो और वह रिजल्ट भी लिख सकते हो, हमने रफ में यहाँ समझा दिया है। तो ठीक है, तो ये बचा 5/4 रूट 2 और दूसरा -2/√2, राइट। तो समझ गए बात को। तो यह था आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग चलते हैं पूर्ण वर्ग विधि में, ठीक है। अब पूर्ण वर्ग विधि द्वारा किस तरह से हल किया जाता है उस पर हम लोग चल रहे हैं, ध्यान देंगे। पूर्ण वर्ग विधि, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पूर्ण वर्ग विधि। तो पूर्ण वर्ग विधि में क्या होता है कि वर्ग तो होना ही चाहिए, क्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए। तो वर्ग होता कैसे है, तो वर्ग के रूप में या तो x प्लस ए का होल स्क्वायर या फिर x माइनस ए का होल स्क्वायर के रूप में, पहले सवाल में जो भी मान दिया रहेगा उसको x प्लस ए के होल स्क्वायर या फिर x माइनस ए के होल स्क्वायर के रूप में लाना है, समझ गए। उसके बाद उसको हल किया जाता है, इसी का नाम है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा समीकरण का हल करना, समझ रहे हो आप। चलो आते हैं, अब इस दोनों का हमने फॉर्मूला लिख दिया समझने के लिए, x प्लस ए का होल स्क्वायर, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xa होना चाहिए, तो ax लिखा है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस ए स्क्वायर। उसी तरह से x माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xa प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो हमने दो फॉर्मूला लिखा है, देखो इसमें ध्यान आपको क्या रखना है, यहाँ देखो 1 2 3 पद है ना, ये कितने पद है, 3 पद है। लेकिन जब इसका सूत्र के रूप में प्रयोग करते हैं तो कितना पद हो जाता है, 2 पद हो जाता है। यहाँ भी 3 पद है लेकिन सूत्र के रूप में प्रयोग करिए तो कितना पद हो गया, 2 पद हो गया। दोनों में फर्क क्या है, इसमें सभी प्लस है तो यहाँ रिजल्ट प्लस, और इसमें 2 के आगे का चिन्ह माइनस है, बाकी दोनों प्लस होना चाहिए। तो यदि 2 के आगे माइनस है तो यहाँ पर माइनस देना है। तो ये सूत्र आपको याद रहेगा। चलिए आते हैं इसके एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करें। कैसे हल करना है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करें। ध्यान से समझिएगा, भारी नहीं है ये क्वेश्चन, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 32 बराबर 0, ठीक है। देखो इसको कैसे वर्क करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 32, ये देख रहे हो आप। तो इसमें हमने क्या किया है कि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिखा है, और ये जो 12 देख रहे हो, 12 पर ध्यान से देखना, 12 यहाँ दिख रहा है, तो कुछ भी यहाँ बीच में हो तो यहाँ पर आपको 2 लिखना ही है। इसके कारण 2 नहीं, बस अपने मन से 2 और एक्स, ये ध्यान रखना, देख रहे हो सब, 2 कलम मेरी देख रहे हो, उस पर अच्छे से ध्यान दो, 2 और x ये लिखना ही है। उसके अलावा यहाँ पर आप ऐसी संख्या लिखो जिससे यह 12 पूरा जाए। तो आप जानते हो 2 पहले लिख चुके हो, तो 2 को 6 से गुना करेंगे तभी तो 12 पूरेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, 6 लिख दिया। अब एक बार ध्यान रखना, ये जो 6 लिखे हो यहाँ पर प्लस 6 का स्क्वायर देना है, यानी यहाँ x के बाद जो भी लिखोगे उस पर उसका स्क्वायर प्लस में और उसका स्क्वायर माइनस में, याद रहेगा। उसके बाद प्लस 32 था, प्लस 32 हमने उतार दिया। अब हमेशा ध्यान रखना कि ये जो 6 उतारे हो पहले उसके आगे का चिन्ह प्लस होना चाहिए तब माइनस, पहले प्लस वाला उतारेंगे तब माइनस वाला उतारेंगे, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो आपका ये जो ऊपर वाला 3 पद था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
तो ये हो गया आपका x प्लस 6 का होल स्क्वायर। अरे 2 मिनट बाद आइए, थोड़ा सा काम करी लो छो। अच्छा बोटी लो थोड़ा। हाँ बोटी लिया मैं, जेबो तुरंत 10 मिनट लग तो हम पहुंची। ठीक छो। हाँ तो आपको मैं ये बता रहा था कि x प्लस 6 का होल स्क्वायर हमने लिख दिया और ये हो गया आपका माइनस 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ पर प्लस 32 ये हमने उतार दिया। तो अब देखो यहाँ पर ये जो कैसे लिखा हमने, ये यहाँ पर तीन पद है तो तीन पद को हमने क्या किया, दो पद के रूप में लिखा है ना, दो पद के रूप में लिखा क्योंकि आपको हमने ऊपर में सूत्र में बता दिया था तीन पद को दो पद में कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस 32 इसको हमने उतार दिया है। तो देखो ये वही हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 32 का 32, ठीक। अब ये वही चीज x प्लस 6 का स्क्वायर 32, 36 में 32 गया 4 बचा, 4 इधर माइनस है उधर जाकर के प्लस हो जाएगा। अब स्क्वायर है, स्क्वायर आप हटाओगे तो उधर रूट हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ये क्लियर है। अब 6 प्लस है उधर जाकर के माइनस हो गया और 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये ध्यान रखना है। ये जो 6 आप इधर दोगे हमेशा बराबर के बाद, जस्ट बाद देना है, बराबर के जस्ट बाद, और प्लस माइनस वाला को उसके बाद लिखना है। अब प्लस माइनस का मतलब इसको दो पार्ट में बांटना है, यानी 6 माइनस 6 और 2 को लिखना ही है, माइनस 6 2 माइनस 6 2 लिखे, एक में चिन्ह प्लस और एक में चिन्ह माइनस दिए, तो 6 में 2 गया माइनस 4, माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8, तो अभिष्ठल हो गया माइनस 4 और माइनस 8। समझ में आ गया बात को। चलिए आज के अंतिम सवाल पर आपको ले चलते हैं, एक अंतिम एग्जांपल, जो भी आप लोगों को समझ में यदि नहीं आया है पहला ऊपर वाला पूर्ण वर्ग विधि तो इसको आप ध्यान से समझिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24 बराबर 0, राइट है। तो एक्स स्क्वायर का वही लिखा हमने, आपको बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में कि यहाँ पर आपको कुछ भी रहे 2x लिखना है, तो 2x लिखा, तो यहाँ पर कितना लिखोगे का आपका 10 पुट जाएगा, तो 5 लिखना पड़ेगा। तो ये जो 5 लिखे हो, एक बार प्लस 5 का स्क्वायर और एक बार माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 24 बराबर 0, समझ गया। अब ये तीन पद जो है, ये तीन पद हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, क्लियर है, और ये हो गया माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 24, ये चीज यही उतार दिए, माइनस 25 माइनस 24, ये माइनस माइनस प्लस, तो 25 24 जुट करके 49 हो गया, 49 माइनस है उधर जाकर के प्लस हो गया, फिर स्क्वायर हटाए उधर रूट हो गया, प्लस माइनस हो गया, 5 माइनस है उधर जाकर के प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस लिखे, 49 का वर्गमूल 7 लिखे, एक बार 5 और 7 को जोड़ दो, एक बार 5 में 7 को घटा दो, 5 7 बार है, 5 में 7 गया माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पर अभिष्ठल आप हम दूसरे साइड लिखे हैं, लास्ट में लिख देना है अभिष्ठल बराबर 12 - 2, ये जो रिजल्ट आया था 12 - 2 वो लिख दिया। तो समझ गए आप लोग, तो आज का क्लास इतना ही। अब आप लोग कुछ वर्क हम दे रहे हैं, आप लोग वर्क इसका लिख लीजिए। हमने आपको तीनों विधि द्वारा कैसे हल किया जाता है उसके बारे में आपको बता दिया। ये हल, ये आपका वर्क हुआ, पहला नंबर है सूत्र विधि द्वारा हल करें, अच्छे से देख लो, इसमें हमने 10 क्वेश्चंस दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करें, इसमें हमने 4 क्वेश्चंस दिए हैं, और तीसरा है गुणनखंड विधि द्वारा हल करें, इसमें हमने आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। तो अब अंत में मैं कुछ बात कहना चाहूंगा मेरे प्यारे छात्रों, आज का यह वीडियो लेक्चर बहुत ही छोटा है लेकिन हमको जो भी बताना था हमने बहुत ही शॉर्ट तरीके से आप लोगों को यहाँ पर बताया।
अब आप लोगों को यदि कोई भी परेशानी होगी इस चीज को समझने में, तो आप लोग आप टेलीग्राम एप्स में जहां पर आप सभी ग्रुप मेंबर्स को ऐड किया गया है, वहां पर आप कोई भी प्रॉब्लम्स लिख करके भेज सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन कर दूंगा। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ यह आज आपका तीसरा वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। अब हम लोग मिलते हैं कल से फिर से क्लास नंबर 4 में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।